हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो है VLCC का इंस्टा ग्लो गोल्ड ब्लीच, और ये है गोल्ड ऑक्सीडाइज के साथ। और आपको मैं इसके बारे में बता दूँ, ग्लोइंग और रेडियंट फेयरनेस स्किन आपको मिलती है। विथ प्री ब्लीच क्रीम भी मिलता है और साथ ही साथ आपको पोस्ट ब्लीच पैक भी मिलता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना। और ये एक फुल पार्लर पैक है। आप चाहे तो अगर आपके घर में शादी शादी होने वाली है किसी की भी, या लड़का की या फिर लड़के के घर हो शादी का, तो आप इसको खरीद सकते हैं। और पूरा दूल्हा चाहे तो दूल्हा फुल बॉडी लगा सकता है इसको, दुल्हन चाहे तो वो भी इसको फुल बॉडी लगा सकती है। जैसे कि फेस पे हो गया, नेक पे हो गया, पीठ की तरफ हो गया, फुल पीठ और आगे भी हो गया, यहाँ तक कि आप चाहे तो फुल लेग एंड फुल हैंड भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है कैसे आपको यूज़ करना है, वार्निंग भी दी हुई है कि किस तरह से, मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं सावधानी से। ये मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट से बता रही हूँ, ये मैं फ्लिपकार्ट से ली हूँ। और एक बात और मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी, एक मिनट। तो इसका प्राइस फ्रेंड्स देखिए 430 रुपये है। इसका जो MFG है वो 1 2020 में बना है और 7 2021 में ये एक्सपायर हो जाएगा, यानी 7वें महीने 2021 तक में इसको यूज़ कर लेना है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में तो मैंने इतना बता दिया, तो आपको एक बात बताने वाली हूँ कि ये जब ये है सो फ्लिपकार्ट से ख़रीदा हुआ है, तो मेरे पास कुछ लोग आते हैं फेशियल कराने, तो उनको मैं बताती हूँ कि आप ये क्रीम लो इस फेस के लिए, वो लोग अपना क्रीम ले कर आते हैं और केवल मैं उनको सर्विस देती हूँ, यानी कि मैं केवल फेशियल करती हूँ या जिनको ब्लीच कराना होता है वो ब्लीच करते हैं, वो अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना क्रीम वगैरह लेके आते हैं, केवल मैं काम करती हूँ उनका। तो काम करने करती हूँ तो उन लोगों को मैं बताई थी कि आप VLCC का फेशियल किट खरीदने के लिए, लेकिन गलती से उन्होंने ये ब्लीच ऑर्डर कर लिया। और ये ब्लीच आप देख लो, ये है 430 रुपये की और उनको मिला है 301 रुपये में, और शायद मुझे लगता है कि उनको मिला होगा शायद शिपिंग चार्ज अलग से उन्होंने शायद दिया होगा, मुझे उतना पता नहीं है। तो उन्होंने मंगाया था और उनको ब्लीच नहीं चाहिए थी, उनको फेशियल किट चाहिए था VLCC का, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं ब्लीच यूज़ नहीं करती हूँ, तो आप इसको खरीद लीजिए या कोई खरीद ले तो ठीक है। तो मैं इसको खरीद ली क्योंकि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको खरीद ली हूँ। और उन्होंने 300 में मुझे दे दिया, तो आप देख लीजिए ये इसका क्रीम है। और मैं आपको इसलिए ये वाली बात बता रही फ्रेंड्स क्योंकि इस ब्लीच में दिया हुआ है कि अगर आप ब्लीच एक बार ले लेते हो तो इसमें रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब अगर आप गलती से ये मंगा लिए तो इसमें रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए वो बोल रही थी कि ये रिटर्न का ऑप्शन नहीं है, रिटर्न नहीं होगा, इसलिए आप अगर आप ब्यूटिशियन हैं, आप किसी का काम करती हैं, अगर कोई ख़रीद ले तो भी ठीक है। तो मैंने ही इसे ख़रीद लिया। तो आप इसका देखिए, अच्छा 303 रुपये टोटल चार्ज है इसका, प्राइस देख लीजिए। तो ये फ्लिपकार्ट का देख लीजिए, ये इसका रसीद है। यहाँ देखिए इसका चार्ज 303 रुपया लिया गया है। चलिए इसको मैं रखती हूँ। ये क्रीम है, ये 220 ग्राम का है। अगर आप ब्लीच परचेज कर रहे हैं तो आप इसका ये देख लें कि कितना ग्राम है। तो ये 220 ग्राम का है, काफ़ी ज़्यादा है, देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपको दो एक्टिवेटर पाउडर मिल जाता है, जो कि मतलब एक ही आपको इस डिब्बा के लिए पर्याप्त है, बट एक्स्ट्रा हमेशा आपको मिल जाता है। जब भी आप ब्लीच खरीदो ना, आपको मतलब एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो आप इसको फेंका मत करो। अगर आप ब्लीच मंगाते हो और इतना दोनों में करते करते ये ख़त्म हो ही जाता है, एक डब्बा आपका एक्स्ट्रा बच जाता है, तो आप इसको रख लो, इसको आप यूज़ कर सकते हो। पेडिक्योर का जो पानी आप घोलते हो उसमें थोड़ा सा आप चुटकी भर डाल दो इसका एक ढक्कन, तो आपका पैर भी फेयरनेस हो जाएगा। तो कभी भी ब्लीच बच जाता है तो उसको फेंका मत करिए। और ये स्पून दिया हुआ है निकालने के लिए ब्लीच को, और इसमें जैसा कि दिया हुआ है
कि इसमें प्री ब्लीच और पोस्ट ब्लीच भी है इसमें। चलिए मैं इधर से रख दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें प्री ब्लीच और पोस्ट ब्लीच देख लीजिए कितना सारा भरा पड़ा है। ये देखिए ये है मेरे पास प्री ब्लीच। प्री ब्लीच मतलब ब्लीच करने के पहले इसको यूज़ करना है। तो देख लीजिए कितना पीस है ये मेरे पास, इसको मैं दिखा दे रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 यानी यहाँ 10 है, 10 पीस है। और ये है मेरे पास पोस्ट ब्लीच, और सॉरी और भी है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखा दूँ, इसको थोड़ा इधर कर ले रही हूँ ताकि आपको कैमरे से दिखे। तो ये देखिए ये इतना सारा है, यानी कि आप इसके अनुसार समझ सकते हो कि कितना बार आपका फेशियल हो सकता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 ये 20 दिया हुआ है, यानी कि ये 20 है और ये 10 और ये 10, यानी देखिए मैं इस तरह से रख दे रही हूँ, ये सीढ़ी नुमा रखा हुआ है वैसे ही। तो ये है प्री ब्लीच, यानी ब्लीच के पहले इसको लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, पहले आपको ये प्री ब्लीच यूज़ करना है, उसके बाद आपको ये क्रीम और एक्टिवेटर जितना इसका अनुपात है मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, उतना आपको यूज़ करना है। और जब आप ब्लीच को यूज़ कर लिए, ब्लीच आपके चेहरे से हट गई, उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे, इसको चेहरे पे लगा के छोड़ देना है, इसको लगा के कुछ पोछना नहीं है, कुछ भी धोना नहीं है। तो ये ब्लीच के बाद लगाने के लिए ताकि आपका स्किन सॉफ्ट रहे। तो बहुत लोग कमेंट करते हैं मुझे कि इसको कब लगाना है, उसको कब लगाना है, तो इसलिए मैं अभी बता दे रही हूँ। और अब मैं इसको मिक्स करके दिखाऊँगी आपको इसमें लेकर, और आपको फेस में भी लगा कर दिखाऊँगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो थोड़ी बड़ी है। तो चलिए मैं इसको समेट लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं यहाँ ली हूँ प्लास्टिक का कटोरी, आप प्लास्टिक का ही कटोरी यूज़ करिए ब्लीच करने के लिए। और यहाँ देखिए मैं यहाँ पे ब्लीच का ढक्कन खोल ली हूँ, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें दिखाते हुए आपको बहुत लेट लग सकती है। और आप चाहे तो एक मेजरमेंट ले सकते हैं इससे, 1 स्पून 1 फेस के लिए। तो देखिए मैं इससे नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे निकालने में थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा, तो वो निकालने में मुझे इससे अच्छा है मैं अपने फेस के अकॉर्डिंग ले लूँगी। लेकिन अगर आप चाहो तो मेज़रमेंट ले सकते हो। मैं फेस पे और थोड़ा सा नेक और थोड़ा सा नीचे लगाऊँगी, थोड़ा सा पीठ के पीछे भी लगाऊँगी थोड़ा सा। तो उस अनुसार मैं यहाँ पे ब्लीच ले रही हूँ, और ब्लीच आपको उतना ही लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसमें एक्टिवेटर पाउडर जाने के बाद ये थोड़ा सा फूल जाता है, मतलब बढ़ जाता है। और डब्बे को बहुत अच्छे से इस तरह से बंद कर देना है ताकि उसमें हवा ना लगे। और एक्टिवेटर पाउडर जब भी ले तो ये चेक कर ले कि वो बहुत ही अच्छा हो, जैसे कि मैं आपको इसमें निकाल कर दिखाती हूँ। जो पाउडर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उसमें मतलब दाने ना बने हो, हवा ना लगी हो, गुठली ना बनी हो, दाने वगैरह। आपको ब्लीच का ढक्कन मैं कैसे दिखाऊँ, तो देखिए ये रहा पाउडर, इसमें मैं इतना ऐड कर दूँगी देखिए, और इसको लगभग पूरा पूरा मैं यहाँ 2 मिनट तक इसको मिक्स करूँगी, ठीक है। तो इसको लगभग 2 मिनट तक मिक्स करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने चेहरे को धुल लेना है पानी से, या तो आप साबुन से धुले या तो फिर आप धुल सकते हैं फेस वाश से, या आप चाहे तो क्लीजिंग मिल्क से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, जो भी धूल मिट्टी है, ऑयल है आपके फेस पे वो हट जाए, उसके बाद आप ब्लीच करें। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपने चेहरे को साफ़ कर ली हूँ, यानी जो भी मेरे चेहरे में धूल गंदगी मिट्टी थी, ऑयल था, उसको मैं फेस वाश से धुल ली हूँ। आप चाहे तो क्लीजिंग मिल्क से भी धुल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ प्री ब्लीच क्रीम। तो ये क्रीम ब्लीच करने से पहले लगाना है, देखिए इस तरह से लगाना है, जहाँ जहाँ आपको जिस एरिया में ब्लीच करना है उस एरिया में आपको इस क्रीम को लगाना है। ये प्री ब्लीच है, यानी कि ब्लीच करने के पहले इसको लगाना है।
तो आपको जहाँ जहाँ भी ब्लीच लगाना है, जैसे कि मुझे फेस पे लगाना है, ईयर पे लगाना है, नेक पे लगाना है, थोड़ा सा आगे भी लगाना है, थोड़ा पीठ में भी लगाऊंगी, तो इसलिए मैं वहाँ वहाँ प्री ब्लीच क्रीम लगा ली। उसके बाद ब्रश की मदद से मैं इस तरह से ब्लीच को लगाऊंगी। ब्लीच लगाने वक्त आपको ये बातें बहुत ध्यान देनी है कि ब्लीच आपको वही एरिया में लगाना है जहाँ के बाल आपको ब्राउन करने हैं। जैसे कि आपको किस तरह से करना है, देखिए यहाँ, जैसे कि मैं यहाँ लगा रही हूँ, आँखों को छोड़कर आँखों के बहुत नज़दीक आपको ब्लीच नहीं लगाना है, ओठ के पास से आपको लगाना है, ओठ पे नहीं लगाना है, यानी लिप्स पे नहीं लगाना है। इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे लगाइए। आप एक ये ब्लीच लगाने वाली एक ब्रश खरीद सकते हैं। हाथों से कभी ब्लीच को यूज़ ना करें, ना हाथों से ब्लीच को फेंटे और ना ही हाथों से ब्लीच अपने चेहरे पर लगाए, क्योंकि आपका हाथ फट सकता है या कुछ आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, दाने वगैरह भी निकल सकते हैं। तो उंगलियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें लगाने के लिए। आप कोशिश करें, एक 10 रुपये या 20 रुपये की आपको इस टाइप की ब्रश मिल जाएगी, इसको ब्लीच का ब्रश बोलते हैं। आप दुकान में जाओगे जैसे कि कोई भी सिंगार स्टोर में, तो आपको ये वाली ब्रश मिल जाएगी, तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। और देखिए, आईब्रो को छोड़कर ब्लीच लगाना है, आईब्रो के बगल में भी नहीं लगाना है बहुत, नहीं तो आपकी आईब्रो ब्राउन हो सकती है। जहाँ हमारा कॉलम होता है वहाँ भी ब्लीच को लगाना है, ताकि वहाँ का जो हेयर है वो थोड़ा ब्राउन हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ मेरा मतलब ब्राउन ना हो, क्योंकि वहाँ किसी के ज़्यादा हेयर भी होते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि वहाँ पे आप ब्लीच लगाए, बट उसको वहाँ पे जल्दी रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ हमेशा कान में भी लगाती हूँ, क्योंकि जब आप चेहरे को पूरी तरह से तैयार कर लेते हो, तो ईयरिंग्स तो आप कानों में पहनते ही हो, तो लोग ईयरिंग्स भी देखते हैं, साथ ही साथ कानों को भी देखते हैं, तो कान भी कितनी बार धूप से काले पड़ जाते हैं, तो कान को भी गोरा करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर भी मैं ब्लीच लगा लूँगी, गले पर भी लगाऊँगी। इस तरह से मैं यहाँ पर मोटी लेयर लगा रही हूँ, आप चाहे तो पतली लेयर भी लगा सकते हैं। पूरा फेस और ये मैं लगा चुकी, और 15 मिनट के बाद लगभग मैं यहाँ चेक कर रही हूँ, 15 से 20 मिनट हो गए थे। तो आप अगर बालों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, तो आप 15 मिनट में ही हटा सकते हैं ब्लीच, लेकिन मैं यहाँ 20 मिनट रखी थी, और ये ब्लीच जो है वो अच्छा कलर आ गया था, मतलब कि मेरा जो हेयर है वो ब्राउन हो गया था, इसलिए मैं इस ब्लीच को 20 मिनट बाद हटा ले रही हूँ। और इस ब्लीच की खासियत ये है कि आपको ये ज़्यादा जलन नहीं देती है। तो ब्लीच करने समय आपको ये बातें बहुत ध्यान देनी है कि अगर आपको बहुत जलन देती है, तो आप ब्लीच यूज़ ना करें और ब्लीच को हटा दें। अगर बहुत आपको खुजली होती है, रैसेज होने लगे, और मतलब बिल्कुल भी मन ना कर रहा हो कि फेस पे कुछ लगाए, तो आप जल्दी से रिमूव कर दें। अगर कोई दिक्कत होती है, तो आप ब्लीच के बाद एविल जो दवा होती है उसको खा सकते हैं। ये आपके रिएक्शन को काटती है, यानी जो रिएक्शन हुआ रहता है फेस पे उसको ठीक करती है। तो मैं यहाँ पे देखिए ब्लीच को धीरे धीरे गीले रुमाल से पोंछ रही हूँ। आपको गीले रुमाल से ही पोंछना है, बहुत हार्डली तौलिए वाले रुमाल से नहीं पोंछना है, नहीं तो आपका स्किन रगड़ा सकता है और दाने वगैरह भी निकल सकते हैं। आप चाहे तो बर्फ़ का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका स्किन ठीक रहे। अभी तो ठंड का मौसम है, आपको ब्लीच ज़रूर करना चाहिए, ब्लीच और फेशियल। यहाँ पे मैं ब्लीच करी हूँ, उसके बाद देखिए आपको स्किन दिखा रही हूँ, और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, और कॉलम के पास चेक कर सकते हैं कि आपके बाल ब्राउन हुए हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा तो हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ पोस्ट ब्लीच क्रीम। तो जब ब्लीच आप लगा लें, उसके बाद ये वाला क्रीम लगाना है पूरे फेस में, और उसको एब्जॉर्ब कर लेना है अपने फेस पर ही इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस ब्लीच के बाद VLCC का जो मैं ब्लीच की हूँ, इस ब्लीच के बाद मैं यूज़ करूँगी VLCC का ही फेशियल किट। तो आप जब भी ब्लीच करें, तो मैं यही कहूँगी कि आप फेशियल भी साथ में करें, तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपको दुगना रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ इसके बाद, ब्लीच के बाद, ये पार्टी ग्लो फेशियल किट VLCC कंपनी का ही यूज़ करने वाली हूँ। तो इसका वीडियो मैं ला चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको लगाते हुए वीडियो में फिर नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आप चाहते हो तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। 5 तरह का प्रोसेस है जिसको मैं ब्लीच के बाद करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।